एज इफ और एज दो। जब भी किसी वाक्य में मानो या जैसे कि इस तरह का सेंस आता है तो ऐसे वाक्यों में एज इफ और एज दो का प्रयोग किस तरह से किया जाना है ये बात उदाहरण के माध्यम से आप इस वीडियो लेक्चर में समझ पाएंगे। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, उसने मुझे ऐसे देखा मानो वो कुछ कहना चाहती हो। शी लुक्ड एट मी एज इफ शी वॉन्टेड टू से समथिंग। यहाँ पर देखिए मानो के लिए आपने एज इफ का प्रयोग किया, आप मानो के लिए एज दो का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं शी लुक्ड एट मी एज दो शी वॉन्टेड टू से समथिंग। वो उसके साथ इतना फ्रेंक लगा मानो उसे पहले से जानता हो। ही लुक्ड सो फ्रेंक विद हिम एज दो ही ऑलरेडी न्यू हिम। जब आप इंग्लिश एक फ्लो में बोलने लगते हैं, जब आप इंग्लिश को बारीकी से समझने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स आपकी जुबा पे आने लगता है। अभी हो सकता है आपको थोड़ा और लगे कि मैं इसे कैसे कहूंगा, लेकिन जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आपकी जुबा पे आ जाएंगे। वो उसके साथ इतना फ्रेंक लगा मानो उसे पहले से जानता हो। ही लुक सो फ्रेंक विद हिम एज दो ही ऑलरेडी न्यू हिम। इसी तरह का एक सेंटेंस है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज आई एम योर एनिमी। यहाँ पर आपने कहा यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो इस तरह से या ऐसे, ऐसे या इस तरह से के लिए इन सच अ वे का यूज किया जाता है। ये बात एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई है क्योंकि ये भी कन्वेंशंस का एक पार्ट है। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज आई एम योर एनिमी। मानो उसे घर जाना हो, एक सिंपल सा सेंटेंस, जब आपको किसी को कहना है मानो उसे घर जाना हो, एज इफ ही हैज टू गो होम। इसी तरह से देखिए वो ऐसे बात कर रहा था मानो मैं उसका नौकर हूं। आप कहते हैं ही वॉज टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ आई वॉज हिज सर्वेंट। लगता है मानो उसे तुमसे प्यार हो। इट सीम्स, लगता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ ही लव्स यू। एज इफ मतलब मानो, मानो वो तुमसे प्यार करता हो, एज इफ ही लव्स यू।